टोयोटा ग्लेंजा, नए पैकेट में पुराना माल। ये कोई नई गाड़ी नहीं है, ना ही ये कोई टोयोटा का नया प्रोडक्ट है, और ना ही मारुति ने इसमें कोई चेंजेस किए हैं। हाँ, बस इतना चेंज जरूर आया है कि जिस तरह से पहले लोग चौराहे से सीधे हाथ की तरफ मुड़कर मारुति के शोरूम से बलेनो खरीद लेते थे, अब वही लोग उसी चौराहे से उल्टे हाथ की तरफ मुड़कर टोयोटा के शोरूम से ग्लेंजा भी खरीद सकते हैं। मतलब मिल आपको वही गाड़ी रही है, लेकिन जादू देखो, अगर आप उस गाड़ी को मारुति के शोरूम से खरीदते हो तो उसका नाम बलेनो होगा, लेकिन अगर आप उसी गाड़ी को टोयोटा के शोरूम से खरीदते हैं तो उसका नाम ग्लेंजा होगा। वाह यार, क्या एक्साइटिंग ऑफर है, लोग तो पागल होने वाले पागल। तो चलिए, जो भी है, इस गाड़ी के बारे में अभी तक जो भी जानकारी मेरे हाथ लग पाई है वो सभी जानकारियां मैं आपको 10 पॉइंट्स के अंदर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, टोयोटा और सुजुकी के बीच में ग्लोबल अलायंस हुआ है। ये दोनों ही कंपनीज एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज और अपनी गाड़ियों को शेयर करने वाली हैं। मतलब जल्दी ही आपको टोयोटा की गाड़ियां मारुति के शोरूम पर मारुति के बैज में खरीदने को मिलेगी, और इसी तरह से मारुति की गाड़ियां टोयोटा के शोरूम पर टोयोटा की बैजिंग के साथ खरीदने को मिलेंगी। और इसी अलायंस का सबसे पहला प्रोडक्ट है टोयोटा ग्लेंजा, जो कि एक्चुअली में मारुति बलेनो है। सिर्फ बलेनो ही नहीं, आने वाले समय में आपको जल्दी ही विटारा, ब्रीजा, सियाज और अर्टिगा जैसी गाड़ियां भी टोयोटा की बैजिंग के अंदर खरीदने को मिलेंगी। ग्लेंजा आपको ना सिर्फ टोयोटा के शोरूम से खरीदने को मिलेगी, बल्कि खरीदने के बाद आपकी गाड़ी की सर्विसिंग और रिपेयरिंग भी टोयोटा सर्विस सेंटर पर ही हुआ करेगी, ना कि मारुति के सर्विस सेंटर पर। मतलब मजा तो उन लोगों का आएगा जो इस अलायंस के बारे में जानते नहीं है और टोयोटा के शोरूम पर पहली बार जाएंगे। वहां पर बलेनो को खड़ा देखेंगे, मतलब ग्लेंजा को खड़ा देखेंगे, तो बार बार पूछेंगे, का भैया हमका गलत घुसिया है, जाका मारुति को शोरूम है कि टोयोटो को। यकीनन टोयोटा के सेल्स पर्सन ऐसे लोगों को जवाब दे देकर समझा समझा कर थकने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, सुजुकी मोटर्स के गुजरात प्लांट में इस गाड़ी का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये वही प्लांट है जहां पर मारुति बलेनो का भी प्रोडक्शन होता है। पिछले महीने टोयोटा ग्लेंजा की 364 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया है, और इन सभी यूनिट्स को टोयोटा डीलर्स पर डिस्पैच भी कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट है, तो क्या मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लेंजा की डिज़ाइन में, मतलब कि एक्सटीरियर में या फिर इंटीरियर में कोई चेंज है या सिमिलर हैं दोनों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कुछ पिक्स देख लेते हैं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल को देख सकते हैं। ग्लेंजा की फ्रंट ग्रिल को चेंज कर दिया गया है, और उस ग्रिल के बीच में आपको मारुति की जगह अब टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है। सिर्फ ये दो ही डिफरेंस हैं इन दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल में। वैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पुरानी वाली बलेनो में जिस तरह की फ्रंट ग्रिल्स मिला करती थी, सेम वैसी ही ग्रिल आपको टोयोटा ग्लेंजा में मिलती है। अब आप देख सकते हैं पुरानी वाली बलेनो और टोयोटा ग्लेंजा की पिक, दोनों की ग्रिल्स बिल्कुल सिमिलर हैं। मतलब ले देकर एक डिफरेंस है, वो भी पुराना। वैसे तो इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल को पूरा रिवील नहीं किया गया है, इसके टीजर में हाफ साइड प्रोफाइल दिखा दी गई है। उसके बेसिस पर देखा जाए तो बलेनो और ग्लेंजा की साइड प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। मतलब आप साइड से देखकर बता ही नहीं पाएंगे कि ये बलेनो है या ग्लेंजा। ठीक इसी तरह से इन दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक दो छोटे मोटे डिफरेंस हैं, वो ये कि जिस तरह से आपको बलेनो के पीछे मारुति की बैजिंग मिलती है, उसी तरह से ग्लेंजा के पीछे टोयोटा की बैजिंग मिल जाया करेगी। जिस तरह से बलेनो के पीछे बलेनो का नाम लिखा होता है, उसी तरह से ग्लेंजा के पीछे ग्लेंजा का नाम लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा ग्लेंजा में आपको वेरिएंट की बैजिंग भी मिल जाया करेगी। इसके इंटीरियर की पिक अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके इंटीरियर में आपको कोई दूसरी कलर थीम मिल सकती है। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग व्हील में आपको मारुति की जगह टोयोटा की बैजिंग मिल जाया करेगी। इसके अलावा इन दोनों गाड़ियों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला, फिर मैं चाहे बात करूं डायमेंशन की, कैबिन स्पेस की, बूट स्पेस की, या फिर बिल्ड क्वालिटी की, आपको सब कुछ सिमिलर ही मिलने वाला है। फोर्थ पॉइंट, टोयोटा ग्लेंजा आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलने वाली है। हालांकि इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाया करेगा,
कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के साथ। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ग्लेंजा में बलेनो का कौन सा वाला पेट्रोल इंजन मिला करेगा, 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन या फिर 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन, या फिर ये दोनों ही मिला करेंगे। बलेनो के नए वाले डुअल जेट पेट्रोल इंजन में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, लेकिन इस पेट्रोल इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है, ऑटोमेटिक नहीं मिल पाता। लेकिन इसके पुराने वाले पेट्रोल इंजन में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, इसलिए हो सकता है कि टोयोटा ग्लेंजा में आपको पुराना वाला 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिला करे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये इंजन BS6 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल किया करेगा, और साथ ही में ग्लेंजा में मिलने वाला पेट्रोल इंजन उतना ही माइलेज क्लेम किया करेगा जितना कि बलेनो में किया जाता है। बलेनो के 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन में 21.01 kmpl का, CVT में 19.56 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि इसमें मिलने वाले नए डुअल जेट पेट्रोल इंजन विद माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में 23.87 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, मारुति बलेनो आपको चार वेरिएंट्स में मिल जाती है। बेस वेरिएंट सिग्मा, उसके ऊपर डेल्टा, उसके ऊपर सेकंड टॉप वेरिएंट जीटा, और फिर टॉप वेरिएंट अल्फा। लेकिन टोयोटा ग्लेंजा आपको सिर्फ दो वेरिएंट्स में मिला करेगी, बेस वेरिएंट जी और टॉप वेरिएंट वी। ये ग्लेंजा की जो पिक्स लीक हुई हैं वो इसके टॉप वेरिएंट वी की हैं। ग्लेंजा में मिलने वाले दोनों वेरिएंट्स जी और वी फीचर्स के मामले में बलेनो के सेकंड टॉप जीटा और टॉप अल्फा वेरिएंट के बराबर होंगे। जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको बलेनो में मिल जाते हैं, वही सब आपको ग्लेंजा में भी मिलने वाले हैं, जैसे कि ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स विथ फोर्स लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। सिक्स्थ पॉइंट, टोयोटा ग्लेंजा खरीदने पर एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर आपको मिला करेगा, वो है ग्लेंजा के साथ मिलने वाला वारंटी ऑफर। मारुति बलेनो में आपको कोई खास वारंटी ऑफर नहीं मिल पाता, सिर्फ 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक का ही वारंटी ऑफर मिल पाता है, जबकि ग्लेंजा में आपको 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल सकता है। इस स्टैंडर्ड वारंटी के अलावा टोयोटा ग्लेंजा के साथ एक्सटेंडेड वारंटी प्लान्स भी दे सकता है। दो तरह के एक्सटेंडेड वारंटी प्लान टोयोटा की गाड़ियों में मिलते हैं। एक है 5-year ट्रू वारंटी पैकेज, इसको आप स्टैंडर्ड वारंटी के दौरान भी ले सकते हैं, और दूसरा है 7-year टोयोटा टाइमलेस वारंटी पैकेज, इसको आप स्टैंडर्ड वारंटी के बाद ही ले सकते हैं। तो बस ये एक अच्छी बात है जो आपको ग्लेंजा के साथ मिल जाया करेगी, लेकिन बलेनो में नहीं मिल पाती। सेवन्थ पॉइंट, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ग्लेंजा टोयोटा के लिए कोई नया नाम नहीं है। टोयोटा इस नाम की गाड़ी बहुत पहले भी लॉन्च कर चुका है, हालांकि उस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था। टोयोटा ने काफी समय पहले एक हैचबैक लॉन्च की थी जिसका नाम था स्टारलेट। इसी हैचबैक के स्पोर्टी वर्जन का नाम था स्टारलेट ग्लेंजा। स्टारलेट ग्लेंजा दो वेरियंट्स में मिला करती थी, ग्लेंजा S और ग्लेंजा V। ग्लेंजा S में 1331cc 1331cc का इंजन मिला करता था, जो 84 bhp की पावर जनरेट किया करता था, जबकि ग्लेंजा V में 1331cc का इंजन मिलता था जो टर्बो चार्ज्ड था। ये इंजन 138 bhp की पावर जनरेट किया करता था। हालांकि ये दोनों ही वेरिएंट्स S और V ऑफिशियली सिर्फ जापान में अवेलेबल थे, नॉन ऑफिशियली तो एक दो कंट्रीज में और भी थे। चलिए वापस आते हैं अपनी बलेनो पर, मतलब ग्लेंजा पर। एट्थ पॉइंट, वैसे तो आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला इस ग्लेंजा में उस वारंटी ऑफर के अलावा, लेकिन फिर भी आपको ग्लेंजा बलेनो के कंपैरिजन में थोड़ी महंगी मिलने वाली है। हाल फिलहाल एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको बलेनो का सेकंड टॉप मतलब कि जीटा वेरिएंट 6.86 लाख रुपीस का मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 8.18 लाख रुपीस का मिल जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसी तरह से इसका टॉप वेरिएंट 7.46 लाख रुपीस का मिल जाता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जबकि ऑटोमेटिक में 8.78 लाख रुपीस का। लेकिन अगर ग्लेंजा को बलेनो के नए वाले डुअल जेट इंजन के साथ लॉन्च किया जाता है तो ग्लेंजा आपको और महंगी मिला करेगी, क्योंकि बलेनो का जीटा वेरिएंट डुअल जेट इंजन के साथ आपको 1 लाख रुपए महंगा मिलता है 7.87 लाख रुपीस का। नाइन्थ पॉइंट, मारुति बलेनो का सेल्स फिगर काफ़ी अच्छा है।
इस गाड़ी की हर महीने लगभग 17 से 18,000 यूनिट्स तक बिक जाती हैं। ग्लेंजा के लॉन्च होने के बाद यकीनन इस गाड़ी का सेल्स फिगर और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ग्लेंजा का सेल्स फिगर मारुति शो किया करेगा या फिर टोयोटा शो किया करेगा अपनी गाड़ियों में। इस सवाल के जवाब को आप भी सोचकर मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है कि मारुति शो किया करेगा। 10th पॉइंट, अब आखिर में बात कर लेते हैं कि ग्लेंजा को उसकी सौतेली माँ मतलब कि टोयोटा लॉन्च कब करने वाली है। टोयोटा ग्लेंजा जून फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली 6th of June को लॉन्च हो सकती है इंडिया में। तो चलिए बस यही कुछ जानकारी थी टोयोटा ग्लेंजा के बारे में जो अभी तक पता लग पाई थी। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इन पिक्स को देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने जितनी बेसब्री से टोयोटा ग्लेंजा का इंतजार किया था, क्या उतनी ही बेसब्री से विटारा ब्रेजा, सियाज और अर्टिगा का भी इंतजार करेंगे। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।